अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबका। गाइस, बनाना ब्रेड बनाना इतना आसान है, आपको बेकिंग हमेशा लगता है कि बहुत कोई क्रिटिकल और बहुत ही कोई जो है वो टेक्निकल सी चीज़ है। सिर्फ आपकी मेजरमेंट सही होनी चाहिए, परफेक्ट बनता है। तो इसकी रेसिपी के लिए एक केला लिया है, एक कप जनाब उसमें शक्कर है और आधा कप ऑयल है जो मेल्टेड बटर होता है, एक अंडा है। ये मैं आपको बहुत आसान और छोटी सी रेसिपी बता रही हूँ एक केले के लिए, ठीक है। इनको आपने मिक्स करके रखना है। इसके बाद आपने इसमें वनीला एक्सट्रैक्ट जो है वो वनीला एसेंस जिसको आप बोलते हैं वो फ्यू ड्रॉप्स लाइक 3 से 4 कतरे वो डाल दें, और ये जो मेल्टेड बटर शक्कर और अंडा इसका बैटर है इसको अच्छी तरह से फेंट लें। आप चाहे तो बीटर की मदद से भी कर सकते हैं। अब इसमें ही आपने बनाना को मिक्स कर देना है। मुझे ज़रा बनाना थोड़ा चंकी पसंद है, आप चाहें तो बिल्कुल इसको मैश करके एज अ पुडिंग भी बना सकते हैं। अब इसके बाद आपने ये मिक्स करके इसको अच्छी तरह से बीट करें, आप चाहें तो बीटर से भी कर सकते हैं। अगर हाथ से भी करेंगे तो कोई इतने रॉकेट साइंस नहीं है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं है, ट्रस्ट मी सेम जो है वो टेक्स्चर आता है। अब दूसरी तरफ आपने क्या करना है, एक कप मैदा लेना है। एक कप मैदे में आप 1 टीस्पून जो है वो बेकिंग सोडा यानी कि जो बेकिंग पाउडर होता है वो डालेंगे। अच्छा जी, अब इसमें एक बड़ा स्पेशल सा इंग्रेडिएंट जाएगा जो कि है सिनेमन पाउडर, दैट मींस दालचीनी का पाउडर। मैंने दालचीनी का पाउडर नहीं लिया, मैंने खुद एक स्टिक लेके उसको फ्रेशली क्रश किया। इसका अरोमा, इसकी खुशबू बहुत डिफरेंट आती है। जो आप पाउडर बाज़ार से लेंगे वो पता नहीं कब का बना होता है, ट्रस्ट मी उसका वो टेस्ट नहीं आता। अब इसमें एक चुटकी जो है वो नमक डाल दें, और उसके बाद जी ये मैदा, बेकिंग पाउडर, दालचीनी का पाउडर और उसके साथ जो है नमक, ये मिक्स किया। ये आपने अपना जो आपका अंडा और केले वाला बैटर था इसमें आप थोड़ा थोड़ा मिक्स करते जाएंगे, और मिक्स करने के बाद इसको आप थोड़ी देर के लिए रख दें। ऑलमोस्ट 10 to 15 मिनट्स इज इनफ फॉर देट। और उसके बाद अब आपने क्या करना है जी, जो मोल्ड है आपका, मोल्ड को आप अच्छी तरह से ग्रीस करके रखें, यानी कि इसमें थोड़ा सा ऑयल लगाकर आप उसको ग्रीस कर लें, या उसमें आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं। और उसके बाद आपने ये सारा मेज़ा जो है उस मोल्ड में अच्छे से निकाल दें। मेरे पास फ़िलहाल यही मोल्ड अवेलेबल था तो मैंने इसी में बेक कर लिया। एंड लुक एट दिस, आफ्टर 50 मिनट्स ये मेरी जो बनाना ब्रेड है इट्स रेडी। इसको नाइफ इंसर्ट करके आप चेक करेंगे, बिल्कुल साफ़ सुथरी है, इसका मतलब है कि ये रेडी है। और आई लव द टेक्सचर, आई लव इट, बहुत मज़ेदार, बहुत ही अच्छा इसका जायका है। डू ट्राई आउट दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। और मैं आपके साथ दोबारा नई वीडियो में शामिल होंगी। अल्लाह हाफिज़। अब लेते हैं जी लाइव रिव्यू। सर कैसी है? इतना सोच के बताएं सर। बहुत ठीक है, बहुत अच्छी है।